बहुत गंभीर हालत है उसकी। हॉस्पिटल में भर्ती है, रात भी लेकर गए, कल भी लेकर गए, वो बार बार निकाल देते हैं हॉस्पिटल वाले, फिर उसे चलना पड़ता तो फिर लेकर आते हैं बार बार। बहुत लंबे लंबे सांस ले रही है, उस टाइम दम छोड़ने की हालत है उसकी, बहुत हालत खराब है इस टाइम। क्या परेशानी से हो रही है बार बार, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसे? उसे वही टेंशन कर रही है उस बात की, उस बात के लंबे लंबे सांस ले रही है, और क्या कहना, रो ही रही है, हर टाइम रो ही रही है। ऐसा हो गया वंडरफुल। दिमाग जैसे चल जा रहा है उसका। अब कहाँ लेके गए? कितने अब कहाँ भर्ती है? काशीपुर काशीपुर में हॉस्पिटल में भर्ती। किस समय तबियत बिगड़ी थी रात 8 बजे के टाइम हालत खराब थी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने ट्रीटमेंट लगा दिया, थोड़ी सही हो गई, वो निकाल दिया हॉस्पिटल से कि घर ले जाओ। फिर फिर उसके बाद फिर हालत खराब हो गई तो फिर लेकर गए हैं। किसी तरह की कोई धमकी उमकी थोड़ी मिल रही है उसे? कोई क्या कोई और धमकी दिक्कत? भी दे रहे हैं, बार बार आ रहे हैं घर को मोमडन लोग कि फैसला कर लो, फैसला कर लो, किस तरह की धमकी दे रहे हैं कि आगे आने नहीं वाले? मार नहीं तो मारेंगे, हम जान से मार देंगे सब लोगों को तुम्हारे घर के। किसकी तरफ से धमकी आई थी, कौन? जुनेद की भी आई थी, और शाने आलम जो डॉक्टर है उसकी तरफ से वो दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर, शहनवाज। क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं उन तीनों लोगों को फांसी हो जाए। तो जिस तरह धमकी आ रही है उस तरह से आपने पुलिस को सूचना दी कि हमें धमकी मिल रही है? पुलिस वाले भी दिन रात रह रहे हैं,